Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मदर्स फर्श प्लांट पावर्ड स्किन केयर फुल रेंज का रिव्यू. सो इस रेंज में आपको मिलेगा एक फेस वॉश, एक फेस क्रीम, अंडर आई रिकवरी जेल, फेस मास्क एंड वन बॉडी बटर. सो अगर ये जो रेंज है इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि फिर एक ही ब्रांड के अंदर एक ही रेंज में आपको सारी ही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. सो आपको मिक्स मैच करके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई दूसरे ब्रांड या दूसरे रेंज के प्रोडक्ट्स को मिक्स करते हैं तो ही ज्यादातर फेस पर ब्रेकआउट्स होती है, फेस पर इरिटेशन भी होती है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और अगर आपको नहीं पता कि मदर्स फर्श ब्रांड एक्चुअली है क्या, तो बेसिकली मदर्स फर्श एक बेबीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे पहले, बट रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स, स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन एंड फॉर गर्ल्स, टीनेजर्स. सो काफी सारे यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे. दे वर शेयरिंग देयर ओन रिव्यू. सो मुझे लगा लेट मी ऑल्सो ट्राई एंड मैं अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर पाऊंगी. क्या वाकई ही इनके प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. सो दे वर क्लेमिंग सो मच, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे पहले ट्राई करना है और मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैं फिर शेयर कर पाऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द ब्रांड. एक्चुअली मदर्स फर्श बेबीज के लिए प्रोडक्ट्स पहले लाते थे, बट रिसेंटली दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर विमेन एंड ऑल्सो ये सारे प्रोडक्ट्स ना यूनिसेक्स है, मेन ऑल्सो कैन यूज दिस रेंज. टोटली ऑर्गेनिक और प्योर एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, बट दे ऑल्सो मेक श्योर कि इसे यू नो एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. सो वेन द पैकेज और वेन द स्किन केयर किट अराइव्ड, इट केम इन दिस ब्यूटिफुल डेनिम बैग. सो इस बैग को मैं किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ. आई जस्ट लव दिस बैग. यहाँ पर पीछे भी एक छोटा सा चेन है. सो ये इस तरीके से ओपन होता है एंड द बैग इज क्वाइट स्पेशियस. सो आई लव दिस थिंग कि वो इतना ज्यादा अपने कस्टमर का ध्यान भी दे रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ कस्टमर जब हम लोग कुछ रेंज या कुछ किट परचेज करते हैं तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ ब्रांड की तरफ से हमें कोई अप्रिसिएशन मिले. सो दिस इज काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द ब्रांड विच आई लव्ड. ये जो होल प्लांट पावर्ड रेंज है ये आप 2 times a day इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. मदर्स फर्श प्लांट पावर्ड जो रेंज है इसमें पहला प्रोडक्ट है ये फेस वॉश, विच इज दिस अल्ट्रा रिच फेस वॉश. इसके अंदर कुछ की इंग्रेडिएंट्स है जैसे अर्थ मरीन वाटर, वनीला ऑयल, कोकोनट ऑयल, तेजपत्रा ऑयल. सो ये जब भी आप इसे अपनी स्किन को वॉश करेंगे ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ठीक है जिसकी वजह से ये स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ड्राई नहीं बनाता, येट ये स्किन से टॉक्सिन्स इम्प्योरिटीज को इजीली रिमूव करता है. सो इसकी जो फॉर्म्यूला है ये बहुत ही अच्छा है, तो आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं बनाएगा, ऑयली भी नहीं बनाएगा, विच आई लव वेरी मच. अगर बात करें इसकी प्राइस की तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. 100 ml का जो ये जो ट्यूब आता है इट रिटेल्स फॉर ओनली 349 rupees. नेक्स्ट आप अपने फेस पर इस प्लांट पावर्ड ओट मील एंड हनी फेस मास्क को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं बनाता. एट द सेम टाइम इट कंटेन्स सम अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक ओट मील एक्सट्रैक्ट, हनी, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, व्हीट जर्म ऑयल, एवोकाडो ऑयल, काओलिन क्ले. ऑल्सो इसके अंदर किसी भी तरीके का पैराबन, डाइज, सल्फेट और हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. सो दिस इज टोटली सेफ टू यूज ऑन योर स्किन. ओट मील एक्सट्रैक्ट एक्सफोलिएट करता है स्किन को, जिसकी वजह से अगर डेड स्किन सेल्स है या फिर स्किन में इम्प्योरिटीज है तो उसको डीपली क्लीन करता है. हनी है इसके अंदर जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है. ऑल्सो इसके अंदर एवोकाडो ऑयल है, काओलिन है जो कि अगेन मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर एंड ब्राइट लुक देता है. सो आई थिंक आप इस फेस मास्क को वीकली 3 times तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं. एंड सिर्फ और सिर्फ इसे विमेन ही नहीं, इसे मेन एंड इवन टीनेजर्स कैन ऑल्सो यूज़, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन में इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी तरीके का हार्श हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. ऑल्सो इसकी प्राइस है सिर्फ 499 rupees.
नेक्स्ट फेस पर अप्लाई कीजिए ये अल्ट्रा रिच फेस क्रीम जिसके अंदर है कोकम बटर, लैवेंडर ऑयल, शिया बटर, आर्गन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तेजपत्रा एक्सट्रैक्ट। तो इतने सारे एसेंशियल ऑयल की गुडनेस होने की वजह से ये स्किन को इंटेंसली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कोकम बटर होने की वजह से ये रिवर्स स्किन डैमेज को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है जो कि पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। मैंने पर्सनली फील किया है कि इसे अप्लाई करने से ना स्किन बहुत ज़्यादा कूलिंग सा एक सेंसेशन फील होता है स्किन में। इट रिटेल्स फॉर 375 रुपीज़ ओनली एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोई हार्श हार्मफुल केमिकल, SLS, पैराबेन, सिलिकॉन एंड टॉक्सिन्स नहीं है इस क्रीम के अंदर। सो दिस इज़ टोटली सेफ टू यूज़ ऑन योर स्किन। ऑल स्किन टाइप्स कैन डेफिनेटली यूज़ दिस क्रीम। नेक्स्ट अपने अंडर आईज पर अप्लाई कीजिए ये अंडर आई रिकवरी जेल जिसके अंदर है एवोकाडो ऑयल, आमंड ऑयल, क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन जो कि इंटेंसली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपके डिहाइड्रेटेड आई एरिया पर, क्योंकि हमारा जो आई एरिया है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होती है जिसकी वजह से रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बट एन आई क्रीम इज़ अ मस्ट हैव और ये आई क्रीम बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ईजिली ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका जो अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है वो काफ़ी क्विक है। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से आपके आईज़ के चारों ओर कोई इरिटेशन भी नहीं होता। सो पर्सनली आई लव दिस आई क्रीम क्योंकि मेरे आई एरिया इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से किसी भी आई क्रीम को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो आई क्रीम है ना इसे मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ एंड आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट अपने बॉडी पर आप इस बॉडी बटर को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर है शिया बटर, कोकोआ, विच आर रियली गुड टू प्रोवाइड मॉइस्चराइजेशन। ऑल्सो ये ऑयलीनेस या पैचिनेस नहीं छोड़ता है। सिनेमम ऑयल, बबूसा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, जोजोबा ऑयल होने की वजह से ये इंटेंसली स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी थिक एंड क्रीमी कंसिस्टेंसी है बट इट इज़ रियली अफोर्डेबल। इट रिटेल्स फॉर जस्ट ₹499। सो द प्रोडक्ट्स आर रियली अफोर्डेबल। 500 रुपीज़ के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स ईजिली मिल रहे हैं। सो दिस इज़ रियली अफोर्डेबल। ऑल्सो आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस बॉडी बटर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इंडिविजुअली भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट 500 रुपीज के अंदर मिल जाएगी, लाइक 350 रुपीज या 499 रुपीज में मिल जाएगी। सो ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर जस्ट अंडर ₹500 विच इज ग्रेट। बट अगर आप इस होल स्किन केयर किट को परचेज करना चाहते हैं तो भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है। आप ये जो मेरा कूपन कोड है इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और उस लिंक से अगर आप परचेस करते हैं तो आप मेरा ये कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कूपन कोड से आपको मिलेगा 35% डिस्काउंट एक्सक्लूसिवली। तो आपको 35% डिस्काउंट में काफी ज्यादा और भी अफोर्डेबल मिल जाएगी ये होल स्किन केयर रेंज। तो ये जो स्किन केयर रेंज है ये मेन, वुमेन, टीनेजर सबके लिए परफेक्ट रहेगा। ऑल्सो जो भी लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। डू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड है। सो या गाइस, ओवरऑल जो मेरा कंक्लूजन रहेगा वो है कि या आई लव्ड देयर प्रोडक्ट। इनफैक्ट जो प्लांट पावर्ड जो रेंज है वो मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने मदर स्पर्श ब्रांड के कोई प्रोडक्ट ट्राई आउट किया है और आई रियली लव्ड ऑल ऑफ देम, स्पेशली द अंडर आई रिकवरी जेल बिकॉज मेरे आईज इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि कोई भी क्रीम वगैरह सूट नहीं करता। आप सबको शायद पता होगा इफ यू आर रेगुलर व्यूअर। तो ये जो अंडर आई क्रीम है ना ये मेरे स्किन पर इजीली, बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है और मेरे आईज को इरिटेट भी नहीं करता। ऑल्सो आई एम गेटिंग रियली गुड बेनिफिट्स क्योंकि मेरे आईज के ऊपर, मतलब लिट के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पैची सा था स्किन, बट अभी वो काफी हद तक रिड्यूस हुआ है वो जो ब्लैक पैचीनेस थी वो। सो आई एम रियली लविंग द होल रेंज। तो आप डेफिनेटली इस रेंज को ट्राई आउट कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।